कितना दूध? 17 किलो दूध इसमें तैयारी का है। हाँ जी, आगे ये 18 दे, 20 दे, 21 दे, वो आगे बिल्कुल आगे गया। आज मौके का बता रहे हो आप? 17 किलो है, काटा अपने घर से लिया है ना, हमारे पास है। अच्छा अच्छा, टाइम तीन टाइम का टाइम देखो। सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो फिर से एक नए पशुपालक के यहाँ से है, आगे मैं भाई से आपको मिलवाता हूँ और एक बार इनका जो एड्रेस है वो कन्फर्म करवाएंगे, बाद में एक एक पशु के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, सभी को राम राम। राम राम, अपना शुभ नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब शुभ नाम मेरा दिंदर है, गांव सिद्धि परलोवा, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट जज्जर। डिस्ट्रिक्ट जज्जर, हरियाणा। आपका जो ये गांव है तकरीबन मेरे हिसाब से दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ? दिल्ली से हमारा पहला गाँव है। दिल्ली से पहला ही गाँव है। कितने पशु हैं बिक्री के लिए? बिक्री के लिए भाई साहब 4 पशु। 4 पशु। देखिए काफ़ी लंबे टाइम से भाई की डिमांड थी कि हमारे पास जो डेयरी वाले भाई हैं उनके लिए स्पेशल ये कुछ पशु बिक्री के हैं तो इनकी वीडियो कवर करें, तो आज इधर पहुंचे, इनके पास ये पशु आपको दिखा रहे हैं। तो भाई साहब अपना सेल परचेज का काम है या कैसे? भाई साहब अपना सेल परचेज का भी काम है और अपना डेयरी भी, दूध का भी काम है। दूध का भी काम है। अच्छा, पशु बिक जाए तो भी अच्छी बात, नहीं तो दूध बेच लेते हो। तो पहले नंबर पर शुरुआत करते हैं, भैंस है, कौन से ब्यांत की है भाई साहब? भाई साहब है। तीसरे ब्यांत की। कितना टाइम हो गया इसको बच्चा दी? जी 10-11 किलो खाली करने के बाद उठी है या खीस 10-11 निकाला है? उठी है भाई साहब। अच्छा, 10-11 किलो दूध से खाली करने के बाद पहले टाइम में निकाला है। जी साथ में एक काफ क्या है भाई? कटिया भाई साहब। साथ में फीमेल काफ है तीसरे ब्यांत की। और कितने दूध की उम्मीद है भाई साहब? भाई साहब निकाल देगी 13-14 किलो दूध। 13-14 किलो दूध। खोलना भाई इसको एक बारी, तो देखिए एक बार कंप्लीट कवर करके दिखाते हैं। दोनों सींग ऊपर की साइड खुले हैं लेकिन शरीर के ऊपर जम रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं। लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी और बिल्कुल पतली गर्दन की। और मैन हम कहें कि दूध के एवज से पशु खरीद रहे हैं, ले आओ, दूध के एवज से पशु खरीद रहे हैं। जहाँ तक हमारा मानना है दूध के हिसाब से पशु जो खरीदने वाले भाई हैं वो क्वालिटी पर कम चलते हैं, फिर भी तकरीबन जो मुर्रा के करेक्टर हैं वो इसके अंदर कंप्लीट हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको इसका जो थनों की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए थनों में स्पेस, टेल भी नीचे से कुछ ही इंच वाइट है और साथ में हम कहेंगे फीमेल काफ है। तो भाई साहब इसका रेट बताना, एक बिल्कुल जायज़ और नज़दीक लगता हुआ रेट। भाई साहब इसके देने के 85,000 रुपये। 85,000 रुपये इसका जो देने का रेट है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में जो हम कहें, हम भी पशु बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, काफ़ी जायज़ रेटों में पशु है। जो पहले नंबर पे जो ये भैंस है भाई की देखने को मिली, दूसरे नंबर वाली भाई साहब, ये भाई साहब दूसरे नंबर वाली, ये 14-15 दिन की ब्याई है। जी जी, आज इसमें 17 किलो दूध काटे का तैयार है। 14-15 दिन की ब्याई हुई, 17 किलो काटे के तोल का, काटे के तोल का दूध अब तैयारी का है। जी जी, और साथ में बच्चा? साथ में फीमेल काफ। फीमेल काफ। ब्यांत कौन सा बताया इसका? तीसरा। खोलना इसको एक बारी, तो 17 किलो दूध कांटे के तोल का आज मौके पे तैयार है। और वीडियो में इनका नंबर है वो पूरी वीडियो में चलेगा ताकि हम देखेंगे कि कौन भाई जो कांटे वाले हैं वो खरीदेंगे। तीसरे ब्यांत की है, सींग भी अच्छा है शरीर पे जमता हुआ, थोड़ी शरीर से दूध वाली भैंस में जो दिखना चाहिए थोड़ा कमज़ोर सी दिख रही है, लेकिन दूध वाले पशु की जो शरीर है वो इसी टाइप का होता है। ले चलो भाई, काफ़ी भाई बोलते हैं कि रेट क्या होंगे इतने दूध पे, इतने दूध पे तो 17 किलो 14-15 दिन की ब्याई हुई मौके पे तैयार है। थन थोड़े लंबे हैं लेकिन अड्डर बहुत ही टाइट है इसका। शुरुआत में जब हम भाई के पास आए तो हमने यही पूछा था कि दूध वाली भैंस लग रही है, सिर्फ थन थोड़े लंबे हैं, टैल भी नीचे से कुछ बाल ही वाइट हम कहेंगे और बिल्कुल जेड ब्लैक कलर की। ये फीमेल काफ आप सामने देख पा रहे हैं। भाई साहब इसका क्या रेट रखा है?
भाई साहब इसका जायज रेट है 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए। और कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो इससे? कितना दूध? 17 किलो दूध इसमें तैयारी का है। हाँ जी, आगे 18 दे 20 दे 21 दे। हाँ, बिल्कुल आगे की आज मौके का बता रहे हो आप। 17 किलो है, कांटा अपने घर से लिया ना हमारे पास है। अच्छा अच्छा, टाइम तीन टाइम कई टाइम देखो। हाँ, जो भाई बोल रहे हैं कि कांटे में या लीटर में झोल होता है तो वो अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। इन्होंने बताया कि कांटा अपना साथ ले आए, कल को ये ना कहें कि इनके कांटे में गड़बड़ थी। भाई साहब नस देखो, ये देखिए इसका जो ऑर्डर बिल्कुल नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ पे दूध को रोक के रखती है अंदर। और नशे देखिए आप, बिल्कुल मोटी मोटी थने थोड़े लंबे हैं। और भाई साहब दूध कितना सॉफ्ट कितना है निकालने में? दूध बिल्कुल ठीक है भाई साहब, जो पीछे वाला एक खड़ा उसकी 19-20 दांत थोड़ी फटे हैं, अड़की फटती है। ना कोई दिक्कत है, पर जो बात है छोटी ही छोटी भी बताएंगे पहले। नहीं, दूध वाला, दूध बेचने वाला छोटी मोटी चीज को देखता नहीं है, नहीं कोई भी कमी नहीं है। हाँ, और भाई मैं बताऊं, चाहे 2 लाख रुपए की भैंस हो, अगर हम ये माने ना कि पूरी हर एंगल से सही मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी। किसी का थोड़ा मोड़ा थन छोटा मिल जाएगा, किसी की पूंछ में बाल ज्यादा व्हाइट मिलेंगे। बहुत अच्छी है, अगाड़ी निकालेगी भैंस 3.5 किलो से ऊपर ऊपर की। 3.5 किलो की अगाड़ी अपनी निकाली, कांटे पर रख लियो, 3.5 किलो की अगाड़ी निकालेगी भैंस। तो इसका मतलब ये है कि 14-15 दिन की जो ब्याई हुई भैंस इतना दूध निकाल रही है, तो पूरे पीक पे हम अंदाजा नॉर्मली एक उम्मीद लगा सकते हैं 20 किलो दूध निकाल देगी। बिल्कुल पतली चमड़ी की, सिंगल हड्डी की बात करें तो ये देखिए सिंगल है, सिंगल हड्डी की भैंस है, वो दुधारू होती हैं तकरीबन। तो आगे एक और भैंस भाई के पास है, ये भाई साहब, भाई साहब ये 3 महीने की ब्याई हुई है। 3 महीने की ब्याई हुई। हाँ, जी। 2 महीने की प्रेग्नेंट है जी, और आज 16 किलो दूध है इसमें। 16 किलो दूध है, तैयारी का। बच्चा क्या है साथ में? बच्चा नहीं भाई साहब इसका। ब्यात कौन सा इसका? ब्यात भाई साहब पिछले ब्यात की है। ब्याई हुई कितने दिन की होगी? 3 महीने की। 3 महीने की और प्रेग्नेंट 2 महीने की है। खोलना एक बारी, तो ये भी बिक्री के लिए भाई, ये भी बिक्री के लिए। 16 लीटर दूध मौके पे तैयार है, कोई भी भाई आके नाप सकता है, क्योंकि इन्होंने जो एक साफ़ सुथरी बात बताई, जो पिछली जो भैंस हमने दिखाई है वीडियो में, तो उस हिसाब से काफ़ी साफ दिख रहा है भाई का काम। क्योंकि अच्छे जो पशुपालक हैं वो साफ़ सुथरी बात बता के ही बेचेंगे, पशु जिसका बिकना है उसका बिकना ही है। तो ये देखिए हाइट, लेंथ और सींग की बात करें, ऑर्डर की क्वालिटी, और 16 किलो दूध ताज़ी भैंसें देते हैं। कुछ भाई तो 21-22 लीटर दूध देती है। हाँ, 20 देखने को नहीं मिलता, 16 लीटर दूध अभी मौके पे है, 3 महीने की ब्याई हुई में, और अभी 2 महीने की क्या बन, क्योंकि जो अच्छी जो भैंसें हैं, जो अच्छी ब्लड लाइन की हम कहेंगे, क्योंकि खरीद बेच का काम है भाई का, तो कौन सी ब्लड लाइन मैच करनी है, वो महीने सवा महीने पे गबन हो जाए, वो भैंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है, 1 साल के अंदर दोबारा बच्चा दे देती है। तो इसका भाई साहब रेट और बताओ। भाई साहब इसका रेट बताओगे जब कोई आओगा ना उसके उसी टाइम। ठीक ठीक, तो भैंस कोई आदमी ऐसा है कोई 1 महीने बाद आवे जी, आज रेट कुछ बताऊं, 1 महीने बाद ये दूध कम कर जाए, बिल्कुल रेट कुछ हो, बिल्कुल। तो अपना एक बार नंबर और बताओ, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मेरा 98 जी, 68 जी, 37 8117 जी जी। तो भैंस में थोड़ी रेडनेस है, मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा टीन का शेड है, इसके करके भी रेडनेस इसमें आपको देखने को मिलेगी। डेयरी का काम है, तीनों भैंसें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी तरह के आप इनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है। और कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? नहीं भाई साहब, बस यही कहना चाहते हैं, आओ 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कितने टाइम दूध देखो हमारे यहाँ पे, तो दिल्ली से डेयरी वाले तो ज़्यादातर डेयरी वाले भैंस लेके जाते हैं। जी जी जी, तो वैसे भी इनका सेल परचेज का काम है रूटीन से, जो दिल्ली से नज़दीक लगे हुए इलाके में डेयरी है, तकरीबन मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर होगी दिल्ली यहाँ से। यहाँ से? हाँ, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो जो भी भाई ये पशु खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। हम हर बार अच्छी अच्छी भैंसें दिखाते हैं, लेकिन इन भैंसों को भी हम हल्के में नहीं आँक सकते, क्योंकि 85,000 से लेके 1,10,000 तक 18-20 किलो दूध की कांटे के तोल की भैंसें अगर मिल रही हैं तो काफ़ी रिजनेबल रेट में हैं। आप भाई वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये पशु कैसे लगे। थोड़ी धूप है, पशु भी परेशान हो रहे हैं, तो सभी भाइयों का वीडियो के लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।